जय हिंद साथियों, शिक्षक भर्ती परीक्षा में सभी का स्वागत। आज हम 50 प्रश्नों की मैराथन सीरीज आपके बीच लेकर आए हैं, जहां पर हम आपकी परीक्षा में आने वाले जीएस, जीके, करंट, विविध, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सभी की महत्वपूर्ण सीरीज है। और अगर अब की बात एक सीट हमारे के लिए पढ़ रहे हैं, इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहेगा। ये वीडियो आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं। आइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था? अयोध्या, नालंदा, कन्नौज, सारनाथ। ये निशुल्क क्लास इलेनिंग दुर्गेश मेरे द्वारा गेस्ट के रूप में प्रतिदिन आपके लिए लेकर इसी समय लाइव हम आते हैं। और हम ये चाहते हैं आप भी इस क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े ही रेस में अच्छे लगते हैं। फटाफट कमेंट कर बताइए। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ध्यान रहे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका सारनाथ। क्या होगा? सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में बौद्ध विहार, धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण कराया था। गोविंद की बात करें तो गढ़वाल के शासक गोविंद चंद ने पत्नी कुमारी देवी, जो पीढ़ी की रहने वाली थी, उन्होंने बौद्ध मतानुयायी थी, उन्हीं के लिए बनवाया गया था। चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ। एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर है? झांसी, दिल्ली, आगरा, बदायूं। जल्दी फटाफट कमेंट करें ना वीडियो को, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करें। जितना ज़्यादा लोग शेयर करेंगे उतने मुझे भी किसी खुशी मिलेगी कि आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या होगा? जी एकदम आपने सही बताया, ये होगा आगरा। सी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है, मगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, इसका मतलब आपके जवाब पूरी तरह से सही है। बढ़ते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप तो पहले से रेस के घोड़े हैं। आगरा कैसे है? जहांगीर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण इमारत आगरा का क्या बना था? आगरा का एतमाद उद दौला। इसे नूरजहां ने अपने पिता एतमाद उद दौला की कब्र पर बनवाया था। मकबरे का मुख्य भाग सफ़ेद संगमरमर का बना था। ठीक है, और पहली मुगल इमारत है जो सफ़ेद संगमरमर की बनी थी, अधिकतर पच्चीकारी की गई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने प्रश्न है, 1909 के अधिनियम किसने प्रारंभ ने क्या प्रारंभ किया? पृथक निर्वाचन, द्वैत शासन व्यवस्था, विकेंद्रीकरण या उपयुक्त सभी? बताइए फटाफट कमेंट करके सभी लोग जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट कमेंट करके, 1909 के अधिनियम किसने प्रारंभ किया? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए आप लोगों ने एकदम सही उत्तर बताया है, एकदम सही आप लोग बता रहे हैं। बस इसी तरह अपना बने रहिएगा इस रेस के अंत तक, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। देखिए यहाँ पर होगा पृथक निर्वाचन, इसके बारे में व्याख्या कर दो आपको। 1905 में, ध्यान रहे कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो नए वायसराय आते हैं। कुछ समय बाद लंदन में जॉन मार्ले को भारत का विशेष सचिव नियुक्त किया जाता है। भारत में अशांति बढ़ती है, उपद्रव को देखकर विधान परिषदों में सुधार के लिए एक योजना तैयार करने का निश्चय लिया जाता है। 1911 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारत परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, समानता से मिंटो मार्ले सुधार के नाम से या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम का सबसे बड़ा दोष मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल था। परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं, केवल मुसलमान के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता था। आगे चलकर प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, द्वैत शासन व्यवस्था कब होती है? 1919 में होती है। और विकेंद्रीकरण की नींव 1861 में रखी जाती है, 1861 में विकेंद्रीकरण की नींव रखी जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। यार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह आपकी क्लास लगातार लाइव चलती रही लेनी भी दुर्गेश पर, तो आपको बस इतना सपोर्ट करना है, इस वीडियो को लोगों तक तो पहुंचाते रहना है। ठीक है, वरना सीरीज जल्दी खत्म हो जाएगी आपकी। 1929 में भारत सरकार ने ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष थे हंटर, स्लीमैन, विटले, वेंटिक। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं। जी हाँ,
सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है, यहां पर होगा बिटले, माने सी वालों के जवाब सही है। कैसे? 1929 की बात करें, 1929 में भारत सरकार ने ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर बिटले थे। हंटर राय 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था, लेकिन 1882 से 83 में WW हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग हुआ जो 1854 के बाद प्रगति समीक्षा करने के लिए नियुक्त होता है। तो कर्नल स्टीमेंट ठगी प्रथा के अंत के लिए जाने जाते हैं। अगर इसकी बात करें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए। हंटर राव किसके लिए आता है? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनता है। ठीक है, ये आप लोग जानते रहेगा। कर्नल स्लीमैन की बात करें तो ठगी प्रथा के अंत के लिए, ठगी प्रथा के अंत के लिए। और बिटियन क्या है? लॉर्ड विलियम बेटी की बात बताइए, ये भारत के गवर्नर जनरल होते विलियम बेटी। आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। ये प्राथमिक शिक्षा भर्ती लिखित परीक्षा अगर आप तैयारी करें तो इस वीडियो अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ, भारत का तिरंगा झंडा सबसे पहले कब लहराया गया? भारत का तिरंगा झंडा सबसे पहले कब लहराया गया? जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट करके बताएं। सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे, भारत का तिरंगा झंडा सबसे पहले फहराया गया था कमेंट करके बताइएगा। तो भारत का तिरंगा झंडा सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। कैसे? 1929 में, ध्यान दीजिएगा, 1929 में कांग्रेस द्वारा नियुक्त कार्य समिति ने 1930 में एक प्रस्ताव पास करके प्रांतीय कमेटियों को 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्देश दिया। आदेश दिया गया जगह जगह लोग एकत्रित होकर कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? बी होगा। तो जितने लोग इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। ठीक है, सभी के जवाब क्या है? पूरी तरह से सही है। ये गलती आप लोग यहाँ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, परीक्षा हाल में ऐसी गलती ना करिएगा वरना इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ठीक है, अगला है सौर विकिरण। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? 400 से 700 nm, 100 से 400 nm, 740 से 1000 nm, उपयुक्त सभी। तो सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 400 से लेकर 700 nm तक। अब यहाँ से देखा जाए कि अगर सौर विकिरण की अगर हम बात करें, यहाँ पर सौर विकिरण में परास दिखता है, सॉरी यहाँ पर होगा सौर विकिरण इसमें होगा, सौर विकिरण 100 से लेकर 400 है और ये है दृश्य प्रकाश, ये है आपका दृश्य प्रकाश 400 से लेकर 700 तक है। और अगर यहाँ पे देखा जाए 700 से लेकर 1000 तक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। कौन बहुलक नहीं है? तीन है और एक बहुलक नहीं है, बहुत कम संख्या है आप लोग की, इससे अच्छा तो पात्रता परीक्षा में संख्या रहती है। बंद कर दे सीरीज आप लोग के लिए, आप लोग की परीक्षा सामने है और हम चाह रहे हैं कि और बेहतर करें, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। स्टार्च कपास का कार्बोहाइड्रेट है जो एक बहुलक है। अगर हम प्रोटीन की बात करें एक यौगिक है जो एक बहुलक है। घी प्रकार का वसा है और ये बहुलक नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी जो गलत है वही आपका सही, क्योंकि पूछा निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। अगला आपके सामने है रानीखेत बीमारी संबंधित है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा, मेरी सीरीज में पहले से था और आपने देखा होगा रिट में ये पूछा गया था, मुर्गियों से था। किससे था? यह मुर्गियों से था। ठीक है, ये बीमारी मुर्गी में होने वाली प्रमुख बीमारी है जो अत्यंत संक्रामक है और विषाणुजन्य बीमारी है। देखिए मैंने पैटिशन पहले से बना के रखे थे और यह हाल ही की परीक्षा में पूछा भी गया। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। डीएनए को किसने अंतःपत्र में बनाया? जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, आर्थर, क्या होगा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आर्थर कोनबर्ग। देखिए रॉबर्ट हुक ने अगर पूछा जाए तो कोशिका की खोज की। एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक के टीके की। तो आपके कितने प्रश्न तैयार हो गए? यहाँ पे 3 प्रश्न तैयार हो गए।
ठीक। सबसे पहले ये राजस्थान में, इसके सबसे पहले राजस्थान में देखे गए थे मुर्गी, रानीखेत। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ, थोड़ा तेजी से पढ़ाते हैं। यहाँ अगला है सवाल आपके सामने कि संसद मिलकर बनती है किससे? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राजसभा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो किससे मिलकर भारतीय संसद बनती है? इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। क्या किया गया है? अनुच्छेद 79 में इसका जिक्र किया गया है। यहाँ पर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद बनती है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, याद रखिएगा। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सदन पूछेगा तो दो। अगला है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, भले मत शेयर करिए। देखिए यहां पर ध्यान दिया जाए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 59 के अंतर्गत अधीन, अनुच्छेद 59 के अधीन जो राष्ट्रपति होता है वो शपथ ग्रहण करता है। किसके सामने? मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने वो शपथ ग्रहण करता है। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ए का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपके सामने कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, स्वयं पद त्याग देता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए ये हमेशा भारत के उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा? ये भारत के हमेशा उपराष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देगा। यह बात आप लोग रट लीजिए, जान लीजिए। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यूजफुल है। बाकी अब की बार एक सीट हमार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कांच की चूड़ियाँ विश्व की प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई जाती हैं? कांच की चूड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई जाती हैं? जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। देखिए कांच की चूड़ियाँ अगर बात करें, बहुत ही आसान प्रश्न है और मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आपकी सीरीज में है और इलेनी बी दुर्गेश के नोट्स में जरूर होगा, अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा। देखिए आप लोग अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो इलेनी बी दुर्गेश से नोट्स प्राप्त कर ले, कम समय बेहतर तैयारी के लिए। यह आपके लिए रामबाण की भूमिका निभाएगा और सभी क्लास इलेनी बी दुर्गेश पर निःशुल्क आप देख रहे हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम और आप, फिरोजाबाद। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा? फिरोजाबाद आप लोगों ने एकदम सही बताया है। जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं उन सभी का उत्तर फिरोजाबाद पूरी तरह से सही था। आगे है अगला सवाल आपके सामने, प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? बहुत ही यूनिक सवाल है, मैं चाहूँगा इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। सभी साथी देखिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और बेहतर मैं कर पाऊंगा और मैं यकीनन मैं आपके लिए बेहतर करूंगा। प्राथमिक चट्टान कही जाती है अवसादी, आग्नेय, रूपांतरित, अति रूपांतरित। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? इग्नियस रॉक्स को कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर सबसे पहले जो चट्टान बनी थी, सबसे पहले जो चट्टान बनी थी पूरी पृथ्वी पर वह आपके आग्नेय शैल थी। कौन सी शैल थी? आग्नेय शैल थी सबसे पहली चट्टान। और यह ज्वालामुखी उद्गार या लावा के ठंडा होकर जमने से जो चट्टान का निर्माण होता है वही आपका कौन सा शैल है? वही आपका आग्नेय शैल है। डेल्टा निर्मित होता है, एकदम हलवा प्रश्न है। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट बताइएगा। देखिए नदी की अंतिम अवस्था में जल गति काफ़ी धीरे धीरे रुकने लगती, जमा होने लगता, दलदल बनने लगता, फिर डेल्टा का निर्माण होता है। मैंने नदी की अंतिम अवस्था में, कहाँ पे? नदी की अंतिम अवस्था में। मैं तेज से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी क्लास जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि आप लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुँचा रहे हैं। अगला आपके सामने है, फूलों की घाटी उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, चाहे से फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करिए। देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूँगा। ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के किस जिले में है कमेंट करके बताइएगा कि जो फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड के किस जिले में है, जरूर कमेंट करिएगा।
इंद्रहर दर्रा स्थित है, ये पहली बार आप लोगों ने सुना होगा और मैं जरूर बताना चाहूँगा कि इंद्रहर दर्रा कहाँ पर है। तो इंद्रहर दर्रा कहाँ पर है कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। कुछ लोगों ने इसको पहली बार सुना होगा, ये चमोली जिले में कहाँ पर है, यह आपका चमोली जिले में है। ये क्या है, इंद्रहर दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, कहाँ पर है, सिक्किम में है। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, भारत की सर्वाधिक जल विसर्जित करने वाली नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर या गोदावरी। जितने भी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात कर लूँ, अगर इस नदी की बात करूँ, यहाँ पे माना ये भारत है आपका, माना हमारा भारत है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नदी निकालते हैं, यहाँ पे देखिए मानसरोवर झील के राकस्थल के पास से सांगपो नाम से नदी निकलती है। किस नाम से? सांगपो नाम से। भारत में दिहांग घाट से प्रवेश कर सी दिहांग नदी कहते हैं, आगे इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, फिर यहाँ मेघालय होते हुए फिर यह बांग्लादेश में आ जाती है, जहाँ इसे हम क्या कहते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। इधर से गंगा बेचारी आती है और गंगा यहाँ से मिलने के बाद पद्मा, और ये मिलने के बाद यहाँ क्या हो जाती है, मेघना। क्या हो जाती है? मेघना नदी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, याद रहे ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? जल विसर्जित करने वाली नदी जो भारत की देखा जाए तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र नदी होगी। वैसे मैं डीप में इसे कई बार मैंने पढ़ाया है, इसलिए मैं यहाँ पे मैं नहीं चाहूँगा कि मैं बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाऊँ आपको, आपको भी इरिटेशन लगे, इरिटेट हो जाए। किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई थी? फटाफट सभी लोग कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 1991 से लेकर 2000 के बीच में सर्वाधिक निरक्षरों में कमी दर्ज की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ए होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, आप लोग के जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, ताकि आपके मन में कोई सवाल है कोई प्रश्न है तो जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं। अगला कर्मा लोक नित्य है, कर्मा लोक नित्य है, महोबा, पूर्वांचल, सोनभद्र, वज्र, कहां का नित्य है? कर्मा लोक नित्य कहां का है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे कर्मा लोक नित्य कहां का है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए सोनभद्र का है, कहां का है? कर्मा और शिला सोनभद्र के आदिवासी द्वारा किया जाता है। अगर हम धुरिया की बात करें तो बुंदेलखंड द्वारा, धुरिया बुंदेलखंड की कुम्हार के द्वारा। ठीक है, और किसकी? स्त्री का भेद लेकर धीवर कहार जी द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहिरो द्वारा, यादव में नटवरी नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला है, भारत में क्रेडिट निर्धारण एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए कमेंट करके कौन सी है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्रिशियल लिमिटेड है, फिंच रेटिंग इंडिया लिमिटेड है, इंक्रा है, क्रेडिट इंडिया अलायंस रिसर्च है, बिकवर रेडिंग है, तो यहाँ पर सभी होगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऑल ऑफ दीच होगा। ये सभी कौन करता है, ये सारी एजेंसियों को कौन कंट्रोल करने का काम करता है? सेबी द्वारा। कितने द्वारा? सेबी द्वारा। सेबी द्वारा 7 एजेंसियाँ हैं। सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट करके जवाब दीजिएगा, सेबी का फुल फॉर्म क्या है। सभी लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला है आपके सामने कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए एकदम सही आप लोगों ने बताया इस प्रश्न का उत्तर। यहां पर क्या होगा, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, उसका बजट प्रस्तुतिकरण से संबंध नहीं होता। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले, माने ए वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। ए वालों का जवाब क्या है? सही है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेज़ी से पढ़ाएंगे आप लोग को। अगला है, क्योंकि आज ज़्यादा प्रश्न भी नहीं कराएंगे हम। अगला है, किस बैंक ने अपोलो हॉस्पिटल के साथ अक्टूबर 2020 में एक सस्ता स्वास्थ्य समाधान हेल्दी लाइफ कार्यक्रम लॉन्च किया है? बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए यहाँ पर क्या होगा, HDFC बैंक। क्या होगा? HDFC बैंक।
अगला आपके सामने है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNDRR द्वारा पंजीकृत आपदा पर जारी रिपोर्ट द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर के अनुसार सर्वाधिक आपदा घटना किस देश में हुई? भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पर सही जवाब आप लोगों ने दिया है, चीन इस प्रश्न का सही जवाब है, चीन इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, चीन वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत 94 स्थान पर है। भारत किस श्रेणी में अंतर्गत रखा गया? खतरनाक, मध्यम स्तर, कम भूखा, गंभीर भूख। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गंभीर भूख, माने डी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है। चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे गणित भी रजनी वाली गणित भी आ गई है। कह रहा है कि AIFF पुरस्कार 2019-20 किस खिलाड़ी के AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया? सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे होगा गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश झिंगन, अनिरुद्ध थापा, सुनील श्री, श्री क्या होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब दीजिए, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखने योग्य बात यह है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गुरप्रीत सिंह संधू। क्या होगा? गुरप्रीत सिंह संधू इसका सही और राइट आंसर होगा। यार आप लोग वीडियो को शेयर करिए सभी लोग को, कहाँ इतना कम संख्या रहती है, टाइम आप लोग को पता है, क्लास भी आप लोग को पहले से पता है। आइए गणित ही तब तक हम लोग हल करते हैं। 80 मीटर लिसण में दूध और पानी का अनुपात ये है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या है, यहाँ पे हम हल करते हैं। ये 80 मीटर मिश्रण है, इसमें अनुपाती योग से भाग दें 2:5। अगर गुणा 3 करेंगे दूध निकल जाएगा, 5 से करेंगे 16 तियाँ 48 लीटर मिल्क हो गया, और इसी 80 में बटे 5 से भाग देंगे और 2 से गुणा कर देंगे तो 16 दूना 32 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। और कह रहा है कि दूध और पानी के अनुपात को 2:3 बनाने के लिए उसमें कितना लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 48 लीटर पहले से था, इसमें पानी मिलाने की बात कर रहे हैं, पानी कितना है 32 लीटर है, माना 1 लीटर पानी मिला दिया। अब बराबर अनुपात कितना करना है, 2:3 करना है, 3 का गुणा कर दिए, 3 × 48 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 × 3 क्या हो जाएगा, काट भी छोटा भी कर सकते हैं, 2 × 2 = 48 काट देंगे 24 हो जाएगा, तो 24 × 3 = 72 हो जाएगा, 72 = 32 + 32 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 72 कितना हो जाएगा जी, ये 3 48 है ना, 48 है और ये हो जाएगा 32 + x, तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे हम तो 2 से हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 24 × 3 = 72, 24 × 3 = 72 हो जाएगा, और यहाँ ये 3 होगा 24 × 72 में 32 का 32 x हो जाएगा, 32 इधर लाएंगे तो हो जाएगा −32 = x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 लीटर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 40 लीटर। एकदम एग्जैक्ट आंसर आ गया, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, अनुपाती योग से भाग दे देंगे, अगर पहले हम दूध से भाग देंगे तो दूध निकलेगा, अब पानी से भाग देंगे पानी, तो दूध 5 3 था गुणा करेंगे और पानी 2 था, गुणा कर दिए दूध और पानी अलग अलग निकल गया। ऐसे ट्रिकी पढ़ना होगा तभी परीक्षा में स्कोर बेहतर कर पाएंगे, ये रीजनिंग और गणित दोनों का सवाल है। ठीक है, समझ मारी कि नहीं आप लोग कोई बात? चलिए अब 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, उसमें से बड़ी संख्या क्या होगी? एकदम आसान सा प्रश्न है, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 27 है। ठीक है, तो याद रखिएगा 27 4 क्रमागत संख्याओं के बीच में, तो कैसे निकालेंगे, तब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बताइए सभी लोग, तब बड़ी संख्या क्या होगी, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके क्या होगा। देखिए अगर 27 कह दिया 4 क्रमागत, सम विषम तो कहाँ नहीं है, तो 27 किसके बीच में आता है, इसको लगाने के कई तरीके हैं लगाने का, 30 एकदम आप लोगों ने सही बताया है, एक तरह से ऐसे लगा दिए, माना पहली संख्या एक यक्स थी, दूसरी यक्स प्लस 2 था, ठीक है, फिर यक्स प्लस 4, फिर यक्स प्लस 6 था, इसी को ऐड कर दीजिए, या तो ऐसे करिए 27 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, क्रमागत की बात करें तो 27 किसके बीच आता है, इधर हम 28 लिखते हैं, इधर हम 26 लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया 24, ये हो गया 30, तो संख्या क्या हो गई, 1 2 3
चार, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 30, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। ये ट्रिक मैंने पढ़ाया हुआ है संख्या पद्धति की सीरीज में, अगर आपने हमारी गणित की सीरीज पढ़ा होगा तो इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे आप लोग, ठीक है, एकदम आसानी से हल कर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, खासकर गणित में तो एकदम दिक्कत नहीं होगी अगर आप हमारी क्लास रेगुलर पढ़ते हैं तो। अगला है आपके सामने कि एक हवाई जहाज 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी प्रारंभिक दूरी 1139 किलोमीटर है, टकराने के ठीक 30 सेकंड बाद उनकी दूरी क्या थी। देखिए इस प्रश्न को हल करने में थोड़ा समय लगेगा, दोनों जहाज एक घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे, दोनों जहाज एक घंटे में कितनी दूरी करेंगे कैसे निकालेंगे, एक तो जा रहा है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 1800, तो कितना जाएंगे ये लोग 3000 किलोमीटर जाएंगे। एक घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है, तो 30 सेकंड कितना दूरी तय करेगा, तो 30 सेकंड में अगर हमें निकालना होगा, 30 सेकंड में कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, 3000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, 3600 सेकंड से भाग दे देंगे, निकालना 30 सेकंड का है, गुणे 30 सेकंड कर दीजिए, बस इसका उत्तर निकल जाएगा। ये दो लड्डू से कट गया, हाँ, और 6 × 5 = 30 और 6 × 4 = 36, फिर 6 × 5 = 30, 5 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी 25 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, दोनों दूसरे के घंटे के रफ्तार एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, जब बढ़ेंगे तो एक घंटे में दोनों दूरी तय करेंगे 3000 किलोमीटर, ठीक है, उनकी प्रारंभ में दूरी क्या थी इससे कोई मतलब ही नहीं है, 30 सेकंड की दूरी निकालना है, आराम से निकाल दिए, ठीक है। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, लगातार क्लास पढ़ेंगे मैथ की तब समझ में आएगी, और हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें डेली, टाइम से एकदम लाइव आ नहीं पाते क्लास कहाँ से पढ़ेंगे बताइए आप लोग, टाइम से तो लाइव तक नहीं आ पाते आप लोग, मैं बार बार कहता हूँ कि टाइम से लाइव रहिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि समय से पढ़ना आके। अगला है आपके सामने कि चार सेमी पाँच सेमी भुजाओं वाले तीन घन किसी धातु के बने हैं, इनको गलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा क्या होगी, कुछ नहीं करना है, तीनों घनों का कुल आयतन कैसे निकलेगा, पहले का है 3 × 4 + 5 ×3, ठीक है, जितना आएगा तो क्या निकल जाएगा, घन का आयतन निकल जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 = 27 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 125, मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा 216। अब घन का आयतन हम जानते हैं, नए घन का आयतन बराबर एक हाथ कणिम 3 भुजा का 3, नए घन की भुजा निकालना है, जब भुजा निकालेंगे नए घन भुजा किया जाए 216 बराबर 1 क्यू, तो दोनों पक्षों का घनमूल निकालेंगे, जब घनमूल निकालेंगे a बराबर √216, यहाँ पे कर्णिप हो जाएगा a बराबर 6, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा a, इसकी भुजा क्या निकल जाएगी a माने भुजा, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमने देखा इसकी भुजा 6 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया, सभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ऐसे ट्रिकी सवाल पढ़ना है क्योंकि समय आपके पास परीक्षा में कम होगा, और जब समय कम होगा तो आपको बेहतर सिलेक्शन के लिए चीज़ों को इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। हम चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नोट्स के लिए या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऑफिस का नंबर है और यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए मेरे द्वारा निःशुल्क लाइव चल रही है देश हित में राष्ट्रहित में, और आपके करियर की सवाल है, क्लास में कोई सवाल जवाब नहीं, इसके बाद वीडियो में आप कमेंट करेंगे सारे सवाल का जवाब मिलेगा। हाँ गणित से अच्छा तो तर्क है, कौन सा गोखले के राजनीतिक गुरु थे बताइए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग फटाफट बताइएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले को याद रहे, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, सुकरात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सुकरात, किसे, गोखले जी को, गोपाल कृष्ण गोखले को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, और ये महादेव गोविंद नराड़ा के शिष्य थे, इनके शिष्य थे और गांधी के गुरु थे, गांधी जी के राजनीति गुरु थे, यह बात याद रखिएगा, एकदम रट लीजिएगा, यहां से दो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीति जो इनके गुरु थे रानाडे थे, ठीक है, और गांधी जी के जो गुरु थे, ठीक है, कौन थे, वो गोखले जी थे, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है
कौन सा एक बात भागीरथी नदी पर है। देखिए जितने भी साथी आ रहे हैं वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, फेसबुक पेज इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। हाँ गांधी जी गोखले गोखले के रानाडे सही है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है कौन सा, तो यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, टिहरी बांध। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है टिहरी बांध, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगर आप डेली क्लास में रहेंगे तो ठीक है, वरना इस सीरीज को हमें बंद करें, कोई और सीरीज शुरू करनी पड़ेगी। और अगर आप कहेंगे तो इसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज सीरीज लेकर आएँ, अगर आप पूरा पढ़ने में अगर असमर्थ हों तो। अगला आपके सामने, भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये बड़ा विवादित सवाल है लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर अस्थाई अस्थाई की जिक्र नहीं किया गया है, तो ऐसा नहीं किया गया है तो देखिए पीएनपी क्या मानती है, हमें ये देखना है पीएनपी क्या मानती है। तो पीएनपी यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मानती है, जबकि ये अस्थाई थे। कैसे थे, अस्थाई थे, लेकिन थे ये पहले, ये थे दूसरे लेकिन अस्थाई में पहले थे, ये अस्थाई में पहले थे। लेकिन पीएनपी के हिसाब से देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, क्योंकि हाल ही 69वें शिक्षक भर्ती में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी विवादित प्रश्न था, इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोग ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, समझें और जानें। अगर यहाँ पे भी कोई मन में प्रश्न आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, जितने भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे उसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे उसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगला सवाल आप सभी के सामने है, अगला है सवाल कह रहा है कि परिकल्पना का मतलब क्या होता है। ये हमने पढ़ाया था, रिपीटेड प्रश्न एक तरह से देखा जाए तो। परिकल्पना क्या, अंतिम उत्तर, संभावित उत्तर, अनुसंधान की सीमा, अनुसंधान प्रश्न, फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। करंट के लिए पूरी सीरीज ई लर्निंग विद दुर्गेश उपलब्ध है, आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। सभी लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। सभी जल्द ही आपको प्रैक्टिस सेट मिल रही है टेलीग्राम पर, जहाँ पर आप दुर्गेश सर सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं सभी लोग। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, संभावित प्रश्न इसका सही जवाब होगा, ये हमने सीरीज में पढ़ लिया है, कौन सा जोड़ा सही है। ध्यान से देखिएगा, अध्यापक शिक्षा परिषद सितंबर 1981 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय 1985 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वैश्य शिक्षा प्रथम शास्त्रीय भाषा कोकड़ी, बताइए इस प्रश्न में कौन सा सही है। जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं देखिए सभी नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से इग्नू के नाम से जानते हैं, वो 1985 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है भारत सरकारी संस्था है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1993 के अधीन की गई थी। ठीक है, 17 अगस्त 1995 कब की गई थी, 17 अगस्त 1995 को की गई थी इसके तहत। ठीक है, चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें आप सभी लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, सरकारी शिक्षक बनने में अपनी सबसे ज़्यादा भूमिका अदा करने वाली है। और आपके आसपास जितने भी साथी पढ़ने वाले हो सबको लर्निंग विद दुर्गेश के बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि 2-4 दिन के बाद आप लोग को नोट्स मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रिंट के लिए आ रहा है ऑर्डर कि दिक्कत हो रही है लर्निंग विद दुर्गेश पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर 2020 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वनोरोपण मियांवाली पद्धति की शुरुआत की गई, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे जितने इस वीडियो को लाइव देखा है। देखिए आप इस प्रश्न का उत्तर क्या है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, क्या होगा। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, पैसे नहीं कटेंगे अगर अभी तक आपने लाइक भी नहीं किया है, हृदय की आप लोग लाइक तक नहीं करते हैं वीडियो को। एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक काम तो पहले आप लोग ये कर लें। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर एकदम आप लोगों ने एकदम सही बताया है, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, जम्मू एंड कश्मीर, क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर होगा। फेनी नदी जल विवाद का संबंध भारत और उसके किस पड़ोसी देश से है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक है सभी लोग, बताइए सभी फटाफट कमेंट करके। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए बहुत सही आप लोगों ने फिर बताया है, बांग्लादेश से था। फेनी नदी जल विवाद संबंध भारत और बांग्लादेश से था, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आपकी पीछा पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत किस देश के साथ मिलकर पहली अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण किया, बताइए जल्दी कमेंट करके।
सभी लोग फटाफट बताइए कमेंट करके। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों ने सही दिया, नेपाल। ये वालों के जवाब सही है, नेपाल एकदम। अगला है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के मटाला एयरपोर्ट के संचालित करने और वहाँ की अवसंरचना क्षमता में सुधार करने की मदद की पेशकश की? श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा श्रीलंका। ये वालों के देखिए, ये करंट के नोट्स अगर आपने रनिंग में दुर्गेश लिए होंगे, प्राप्त किए होंगे, तो आपको इसके उत्तर आपको अच्छी तरह से पता हो गए होंगे। अगला है आपके सामने, ओसाका ट्रैक हाल ही में चर्चा में रहा, यह किसके से संबंधित है? ओसाका ट्रैक हाल ही में चर्चा में था, वह किससे संबंधित है? देखिए आप लोग को चाहे टीटी की नोट्स चाहिए, ठीक, उपलब्ध है आपके लिए, चाहे आपको सीटीटी की नोट्स चाहिए ये भी उपलब्ध है आपको, चाहे आपको यूपी टेट की नोट्स चाहिए वो भी आपको उपलब्ध है। इलानी बुद्रगे से प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से जुड़कर, निःशुल्क वहाँ पर टेलीग्राम पर सब कुछ पड़ा है, और सुपर टेट के भी नोट्स आपको, जी हाँ, यस्टेट के भी नोट्स आपको इलानी बुद्रगे पर उपलब्ध है। प्रदेश के लिए सबसे बेस्ट बेहतरीन नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर होगा द्विपक्षीय निवेश, डिजिटल व्यापार, ई कॉमर्स, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा पी, क्योंकि मेरी क्लास निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में आप लोग देख रहे हैं, यदि आपको जरूरत लगती है तो जरूर संपर्क करिएगा, अपने आसपास के लोगों को बता दीजिएगा, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, इस दिवस का मुख्य थीम क्या था? आपको पता होगा वेटलैंड डे जो किस तारीख को मनाया जाता है, 2 फरवरी को, सॉरी यहाँ पर हमने देखा कि 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? वेटलैंड एंड वाटर, आर्द्रभूमि और जल, इसकी थीम क्या थी? वेटलैंड और वाटर, ठीक है, इसका थीम यही था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को, आर्द्रभूमि और जल क्या था इसका थीम था, इसका विषय था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, दिवस एक ठो पूछ लेता है परीक्षा में। चलिए यहाँ पर दिया गया है, अगर 11 का 1331 है तो 12, देखिए 11 का क्यूब है ये, क्या है 11 का क्यूब, तो 12 का क्यूब क्या होगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, 12 का क्यूब क्या होगा, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक। आगे देखते हैं, एक चूहे को कुत्ता कहा जाए और कुत्ते को नेवला, ऐसे प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, लास्ट में देखिएगा, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? अब देखिए पालतू पशु क्या है, कुत्ता है, तो कुत्ते को क्या कहा जाएगा यहाँ पे, नेवला, ध्यान दीजिएगा, और कुत्ते का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, नेवला। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ा सा दिमाग का अगर आप प्रयोग करेंगे, इसमें याद रखिएगा, लास्ट लाइन पढ़ते हैं, तो पालतू पशु को क्या कहेंगे, पालतू पशु क्या हो गया, कुत्ता हो गया। अब कुत्ते को इसमें देखिए क्या कहते हैं, चूहे कुत्ता, लेकिन कुत्ते को क्या कहते हैं, नेवला। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, नेवला। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में एकदम समय मत लगाइएगा, क्योंकि ई लर्निंग पे दुर्गे से काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है आप सभी के लिए, और हम चाहेंगे ऐसे सीरीज में कहीं भी गलती मत करिएगा, समय बचाइएगा, आपका हर एक सेकेंड आपकी परीक्षा में सेलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, आप चाहें तो इसके भी स्क्रीनशॉट रख लें, काफ़ी तेज पढ़ा रहे हैं ना, इसी तरह पढ़ाएंगे, जब आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या किया जाए। यहाँ पर विषम संख्या चुनना है, बताइए इसमें विषम क्या है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, इसमें क्या अलग है, क्या हुआ जी, क्या सीरीज में कोई गलती है क्या? हमें हर टाइप के प्रश्नों को पढ़ना है, बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर देखिए, ये भी धनात्मक है, ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये आपकी ऋणात्मक संख्या है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक बाकी सभी धनात्मक है। यदि हाउस को ये लिखा जाए, इसकी कोडिंग कर देते हैं सभी लोग सामने ध्यान से दिखेगा, ये हो जाएगा 8, 15, 21, 19, 5, हो जाएगा 6, 17, 19, 21, 3। अब यहाँ पे देखिए 8 का 6 किया है, -2 किया है, ठीक है, -2, 15 का 17 किया है, +2, 21 का 19 किया है, -2, फिर +2, -2, तब भी करिए, ये 3, 8, 1, 9, 18, पहले क्या किया है, पहले हम -2 किया है, -2 करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा, +2 किया 10, 10 माने जे, 1 है -2 करेगा तो जेड और वाई आएगा, 19 है, 19 में अगर -2 करेंगे, 9 है, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 माने के,
18 में से दो करेंगे 16, 16 माने पी, ए जे वाई के पी, ए जे वाई के पी, इसका उत्तर क्या होगा? डी। ये कोडिंग डिकोडिंग, ये सवाल आता है कोडिंग डिकोडिंग पर, रट लीजिएगा। अगर आपको भी सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा अपने पास। अगला प्रश्न आपके सामने है, कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है, उसकी माता को याद है कि 22 अप्रैल के बाद है, सीधी सी बात है 24 के बाद और 22 के पहले, तो उसका जन्मदिन कई तारीख को होगा, बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग यार आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं करते, पता नहीं क्यों, कौन सी दुश्मनी है, अलार्म लगा के रखते हैं क्लास की टाइमिंग, पता है आप लोग को। सभी नोट्स उपलब्ध है, मैंने बार बार कहा आपको यहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा, और जौनपुर जनपद से सेंटर पर जाके ले लीजिएगा, मेरी क्लास तो आप निःशुल्क पढ़ ही रहे हैं डेली। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 23 तारीख को, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये 22 के बाद है और 24 के पहले, डी का सही है। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, जितने लोगों, क्या जो लोग नए आ रहे हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, पहली बात जो लोग भी नए आ रहे हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? सीधी सी बात है, गत परसों बृहस्पतिवार था तो आज क्या होगा, आज होगा हमारा शनिवार, आज क्या होगा, शनिवार होगा, कब, आज, ठीक है। अब कह रहा है तो रविवार कब होगा, तो रविवार कब होगा भैया, आगामी कल का दिन रविवार होगा, आगामी कल का दिन रविवार, अरे गत परसों बृहस्पतिवार था आज रविवार होगा, तो आज शनिवार होगा और रविवार आगामी कल रविवार होगा, ऐसे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी होगा। देख ध्यान से पढ़िए, समझिए, एक प्रश्न आपका फिक्स आएगा और ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्लियर। चलिए अगला कथन इसका, देखिए हर टॉपिक से एक सवाल आपके लिए आता है। देखिए ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए इस नंबर को आप लोग सुरक्षित रखिएगा, और हो सके अपने सभी साथी मित्रों को बता दीजिएगा, जो भी आसपास तैयारी कर रहे हैं जिनको भी नोट्स या क्लास की जरूरत हो इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले लेंगे। कथन को सही मानते हैं, भारतीय संग्रहालय की सुरक्षा, भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्रीय सरकार की दायित्व है, विक्टोरिया मेमोरियल कच्छ राष्ट्रीय संपत्ति है, ठीक। आगे निष्कर्ष क्या क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, जी नहीं, केवल विक्टोरिया मेमोरियल कच्छ राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। फिर कह रहे हैं राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, जी हाँ, ऐसा कथन फर्स्ट में कहा गया है, अर्थात इसका केवल निष्कर्ष दो निकलता है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, केवल इसका दो या बीस का निष्कर्ष निकलता है। तो सब लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, कुछ लोग कह सर इसको समझ में नहीं आता, कल मैंने इसको या पिछली क्लास में एकदम अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा के समझा दिया था, अगर फिर भी अगर आप ना कर पाए तो मेरा पढ़ाना बेकार है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, फिर कथन निष्कर्ष वाले आ गए और आप लोग को इसका जवाब जरूर देना है, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए कह रहा है ए पठन वैकल्प डिस्लेक्सिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है, दृढ़ कथन है ये, कारण यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है, अब बताइए क्या होगा। देखिए यहां पर ध्यान देना होगा कि कठन वैकल्प डिस्लेक्सिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है, ये तो सही कह रहा है, ये एक रोग विटामिन की कमी कारण होता है, जी नहीं, यह एक लिखित भाषा दृश्य अंक देखने में कठिनाई होता है, तो यह एक प्रकार का अगर देखा जाए तो कौन सा विकार है, मनोवैज्ञानिक विकार है, ये विटामिन कमी कारण नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। ए सही है ना, लेकिन आर का जो व्याख्या है वो सही नहीं है, ए सही और आर गलत है। देखिए सब लोगों ने एकदम सही बताया। अगला और आखिरी सवाल है, इसी के साथ आज की सीरीज यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। जो लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं वो पहला काम दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े जाएंगे और टेलीग्राम ऐप से जुड़े जाएंगे, फेसबुक पेज इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। क्लास संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। यह क्लास आप सभी के लिए प्रतिदिन ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मेरे द्वारा निःशुल्क चलती है, और अगर आपका सपोर्ट होगा तभी नहीं तो अगले दिन से क्लास मुझे बंद करना पड़ेगा, समय से अगर आप लोग लाइव नहीं रहते हैं तो, ठीक है। ये आज का आखिरी सवाल, इसी के साथ आज की क्लास खत्म हो जाएगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अपने साथी मित्रों को बता दीजिएगा जो आपके साथ के, और आईएप जरूर इंस्टॉल कर रखिएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ पे, बहराइच, बहराइच के महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौड़ा झील के विकास के कार्यों की आधारशिला रखी थी, और सुहेलदेव के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया था, और 17वीं फारसी भाषा के जो ऐतिहासिक मीरात मसूदी के अनुसार महाराजा सुहेलदेव की ये 11वीं
सदी के श्रावस्ती के राजा थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग कल से समय से एकदम रहिएगा, टाइम से लाइव आइएगा, क्योंकि मैं कल से क्लास को केवल लाइव चलाऊंगा, क्योंकि बाद में आप लोग सपोर्ट नहीं करते, इसलिए लाइव जिसको देखना आके देखेंगे, इसलिए आप लोग जो बाद में देखते हैं वो लोग थोड़ा सा अपना समय मैनेज करें, जैसे मैं मैनेज करता हूँ अपने सारे काम छोड़कर, तो आपको भी मैनेज करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्द ही टेलीग्राम पर आपको प्रैक्टिस शीट भी उपलब्ध हो जाएगी, बाकी भी प्रैक्टिस शीट उपलब्ध होती रहेगी, तो आपके आसपास के जो साथी मित्र हैं उनको भी बताते रहिएगा, और इन लर्निंग विद दुर्गेश का जो मैसेज है सभी लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, और मैं अपने बचे हुए समय से मैं आपके लिए ऐसे विशेष और बेहतर क्लास लेकर आता रहूँगा। बस अपना साथ आप लोग यूं ही बनाए रखिएगा और हम आपको सफलता तक लेकर चलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।